सही लग रहा है ना? सोच रहे ना मैं क्या कर रहा हूं ये भाई, बनता है यार। हेनरिच क्लासेन हमारे ड्रीम टीम में था कल और आज उसने 100 मार दिया। रिया दोस्तों 100 मार दिया आज हेनरिच क्लासेन ने, तो भाई आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, सेलिब्रेट करूं? तो भाई सेलिब्रेट कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमारी ड्रीम टीम ऑलमोस्ट सब ने परफॉर्म किया। और जैसे हमने दिया था आपको आरसीबी वर्सेस एसआरएच में जो होने वाला था, पिच कंडीशन जैसे होने वाली थी, बल्लेबाजों के लिए विकेट होने वाली थी, वही सब हुई। क्लियर स्काइज और हेनरिच क्लासेन आके 100 मार दिए और अभी मैच चालू है। आरसीबी जीतेगी कि नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे है। अभी भी आरसीबी डोमिनेट करे मत। पर मैं आज आपको बता देता हूँ पंजाब और राजस्थान का सबसे बड़ा मैच है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब बाहर हो गई है टूर्नामेंट से कल दिल्ली कैपिटल से हारने के बाद, मगर कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है राजस्थान रॉयल्स के लिए। भाई कंटेंशन में रहना है, यहाँ पर लड़ाई अभी भी जारी है। पंजाब बाहर हो गई, डीसी तो थी बाहर, मगर अब लड़ाई है बीच में। राजस्थान रॉयल्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी लड़ रही है मुंबई इंडियंस, तो यहाँ पर तीन टीम ऑलमोस्ट ऊपर समझिए हो गई है कंफर्म। देखिए गुजरात टाइटंस तो कंफर्म हो गई है, मगर बाकी के लिए जंग जारी है, बट कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर अपनी नज़रें गड़ा के मैच जीतने के लिए तैयार हो गई है, और कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है धर्मशाला में। पंजाब कल मैच थी, आज ब्रेक है, फिर आज फिर खेलेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं एक दिन पहले एक नाइट पहले वीडियो बना रहा हूँ, मगर यहाँ पर कल 66th मैच है आईपीएल का। पंजाब खेलेगी राजस्थान रॉयल्स को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला का, में पहाड़ों के बीच खूबसूरत वेन्यू, मजा आने वाला है। और 7:30 बजे मैच होगा, स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा पे आपको दिख जाएगा। सिनेरियो बता दूं मैं आपको एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, कैसे क्या कॉम्बिनेशन है। पंजाब का फिर भी बता दूं जो कि बाहर हो चुके हैं। पंजाब इस वक्त है 6 विंस के साथ 13 मैचेस में, बाकी हार गए हैं। कल इम्पोर्टेंट लास्ट मैच है उनका, तो 12 पॉइंट्स हैं और 12 पॉइंट्स तक ही रहेंगे। कल अगर जीतेंगे तो 14 हो जाएगा, मगर क्या फ़ायदा, अगर यहां पर जीत गई राजस्थान रॉयल्स तो बढ़ जाएंगे। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ बिकॉज दे सी राजस्थान रॉयल्स हैव बेटर रन रेट। मगर अगर राजस्थान रॉयल्स हार गई तो उनका भी डामाडोल हो जाएगा, तो बाकी टीम जो है आरसीबी और दिल्ली मुंबई इंडियंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल मैच हारने के बाद पंजाब बाहर, मगर राजस्थान रॉयल्स के बाद एक लास्ट चांस है। 13 मैचेस में 6 विन के बाद एक लास्ट चांस उनके पास अभी है, और राजस्थान रॉयल्स कल जीतेगी तो पक्का तो नहीं था, मगर चांसेस उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी भी टीम तो खेल रही है ना भाई जीतने के लिए। अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो फटाफट बता दूँ हेड टू हेड में अभी तक 25 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स आगे है 14 मैचेस के साथ, 14 जीत के साथ, और पंजाब है पीछे 11 जीत के साथ। तो कॉन्फिडेंस रहेगा राजस्थान रॉयल्स के पास, मगर आपको बता दूँ आरसीबी से हार चुकी है पिछली मैच, तो उतना भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा। मगर प्रोफेशनल क्रिकेट में पिछली मैच का नहीं सोचते, वो सोचते हैं आगे का। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स आगे का सोचेगी और जाएगी जीतने के लिए, और क्या वो जीतेगी वो इंटरेस्टिंग रहेगा। पर पिच रिपोर्ट बताता हूँ कैसी रहेगी। पिटा था कल स्कोर पंजाब का दिल्ली के सामने, दिल्ली बल्लेबाजी की पहले 213 रन मारी। हाँ दोस्तों 213 रन बहुत ही अच्छी बात है, कहाँ से बल्लेबाजी कर लिया, कहाँ से ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर की। पूरा सीजन उन्होंने कुछ खास नहीं किया, मगर लास्ट मैच में आके पार्टी स्पॉइलर प्ले किया पंजाब के सामने और पंजाब को हरा दिया। 213 मारी और यहाँ पर पंजाब हार गई 15 रनों से दिल्ली कैपिटल्स के सामने। तो समझ जाइए बैटिंग के फेवर करेगी धर्मशाला फिर से अब की, और असिस्ट करेगी फास्ट बॉलर्स को। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजों को फेवर करेंगे धर्मशाला की विकेट, और फास्ट बॉलर भी थोड़ा बहुत असिस्ट होंगे, थोड़ा बहुत मौका मिला होगा। अगर वेदर की बात करें तो दोस्तों 21 डिग्री है कल का वेदर, 21 डिग्री है, सनी रहेगा दिन में, मगर शाम का मैच फर्क नहीं पड़ता। ड्यू फैक्टर हाँ थोड़ा बहुत रहेगा, क्लाउडी स्काई नहीं है,
आसमान साफ रहेगा तो बड़ा मजेदार होने वाला है, एंटरटेनिंग मैच है विदाउट एनी इंटरप्शन। क्या राजस्थान रॉयल जीतेगा कि नहीं वो देखने लायक रहेगा। मगर मैं बता दूं आपको, अब हम बताएंगे आपको प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, प्रोबेबल 11 टॉप पिक्स कप्तान, बजट पिक्स आपके कौन हो सकते हैं और आपकी ड्रीम टीम कैसी होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था पिछली बार, क्लासन ने 100 मार दिया, बड़े बड़े पॉइंट्स ले गया होगा। मगर आपको अगर रिसर्च हमारी देखनी है तो देख लीजिए भाई, फॉलो करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए। मैं ताऊस रिजवी ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, इंस्पायरिंग स्टोरीज और फैंटेसी टिप्स और बहुत सारी एनालिसिस, पॉडकास्ट और मज़ेदार बातें क्रिकेट और स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि हम इंडियन स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और ये है हमारी क्रिकेट की पाठशाला, पंजाब की क्या हो सकती है 11 और राजस्थान रॉयल्स की क्या 11 हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे टॉप पिक्स कप्तान और बजट पिक्स, और बात करेंगे हम ड्रीम टीम कैसी है हमारी ड्रीम टीम। तो चलिए पहले बात करते हैं, पंजाब के 11 के शिखर धवन होंगे, शाहरुख खान होंगे, सैम करन होंगे, अथर्व ताइडे होंगे। कल उन्होंने अच्छी बैटिंग की मगर थोड़ा स्लो कर दिया, तो फिर भी रखेंगे उनको, यंगस्टर है। और लियान लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा विकेट कीपर, बैट्समैन राहुल चार, हरदीप गार, यहाँ पर होंगे नेथन एलिस, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा भी आपकी हो सकती है। चलिए राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल, शिमरन एटमायर, जो रूट और यहाँ पर आर अश्विन, जॉस बटलर, संजू सैमसन, जुरेल माफ कीजिएगा, ट्रेंड बोल के आसिफ, युजवेंद्र चार्ल्स, संदीप शर्मा, तो ये टीम हो सकती है इनकी। तो राजस्थान रॉयल्स और पंजाब की 11 ये हो सकती है। और मुझे लगता है इस वक्त राजस्थान रॉयल्स अच्छी खासी बैलेंस साइड है और कल मुझे लगता है फेवरेट रहेगी और कल जीतेगी भी शायद पंजाब के सामने। चलिए हम आगे बात करते हैं टॉप पिक्स की, तो हम टॉप पिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं बता दूं आपको हमारे कप्तान होंगे कौन, हमारे कप्तान हो सकते हैं आप जो चुन सकते हैं, वो कप्तान कौन है, वो जॉस बटलर को चुन सकते हैं एज ए कैप्टन आप यहाँ पर, और साथ साथ अब लियाम लिविंगस्टोन और शिखर धवन को, तीनों में से एक कोई कप्तान आपका हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको जॉस बटलर का स्टैटिस्टिक, जॉस बटलर अभी तक ही हैज मेड जस्ट वन हाफ सेंचुरी इन लास्ट 5 आउटिंग। देखिए एक्सपेक्ट नहीं होता जॉस बटलर से कि भाई इतना, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी 5 मैच में, तो सोचिए कितना हगरी होंगे जॉस बटलर। और कल मुझे लगता है, और टिपिकल इंग्लिश कंडीशन है, धर्मशाला की फास्ट पीसी विकेट होती है और बल्ले पर अच्छी गेंद आती है, तो यहाँ पर जॉस बटलर विल बी ड्रूलिंग, विल बी वेरी एक्साइटेड टू प्ले टुमारोज गेम। और ना स्कोर करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है और प्ले ऑफ से पहले उनका फॉर्म में रहना राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम उसके बाद बात करते हैं लियाम लिविंगस्टोन जो आपके कप्तान हो सकते हैं। तो लियाम लिविंगस्टोन पर उसके पहले बता दूँ 392 रन अभी तक बना चुके हैं 13 गेम में, फॉर्म नहीं होने के बाद भी 392 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है जॉस बटलर का। चलिए लियाम लिविंगस्टोन की बात मैं करूँ तो लियाम लिविंगस्टोन है पिछली मैच में 94 बनाए थे, देखिए कल हमारे वो थे ड्रीम टीम में 94 बनाए थे पिछली मैच में 48 गेंदों में। तो लियाम लिविंगस्टोन इज गोइंग टू बी वंस अगेन को कप्तान ले सकते हैं और ऑलराउंडर का फायदा भी हो सकता है उनका अगर लेंगे तो। अभी तक उन्होंने 270 रन बनाए और कल जैसे मैंने आपको कहा इंग्लिश की यहाँ पर विकेट है, इंग्लिश जैसे विकेट होती है धर्मशाला में, तो वैसे ही जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन डेफिनेटली इंजॉय करेंगे कल का मैच बैटिंग करने में। उसके बाद आते शिखर धवन जो लीडिंग रन स्कोरर है पंजाब के लिए और 356 रन बना चुके हैं अभी तक, 44 का एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट है और समझिए 3 हाफ सेंचुरीज अभी तक बनाए शिखर धवन, तो ही ऑल्सो कैन बी अ कैप्टन। देखिए जो भी हुआ पंजाब बाहर है अंदर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी ड्रीम टीम कौन सी होनी चाहिए। तो कप्तान शिखर धवन फिर से आ सकते हैं फॉर्म में, कल का मैच इम्पोर्टेंट है, अपने आप को प्रूव करना है पंजाब के लिए। चलिए अगर हम टॉप की बात करें टॉप पिक की, तो यशस्वी जायसवाल होंगे, अर्शदीप हो सकते हैं, युजवेंद्र चहल भी आपके टॉप पिक हो सकते हैं जिसको आप मजबूती से रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर बता दूँ आपके टॉप पिक्स, यशस्वी जायसवाल ने अभी तक 1.5 सेंचुरी की है और 1 सेंचुरी मारी है पिछले 5 मैचेस में 575 रन बना चुके हैं 13 मैचेस में, 47 का एवरेज है भाई, क्या है ये तो इनसेन है, इनसेन बैटिंग कर रहा है ये यंगस्टर और एक्सपेक्टेड है क्योंकि जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, क्रिकेटर देखा है मैंने बहुत करीब से, आप उसका इंटरव्यू देख सकते हैं हमारे चैनल पे स्पोर्ट्स विद ताऊस पे, बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है, देखेंगे इंजॉय करेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे उनसे। चलो इसके बाद आते हैं अर्शदीप सिंह, जैसे हमने बताया टॉप पिक अर्शदीप सिंह पंजाब के हैं, थोड़ा निराश होंगे मगर वो लीडिंग विकेट टेकर है इस वक्त पंजाब के लिए, 16 विकेट अभी तक उन्होंने 13 मैचेस में ली है, 28 का एवरेज है, इकोनॉमी वेरी इंटरेस्टिंग 9.67 का और
स्ट्राइक रेट है 17 का। कल हो सकते हैं क्रिक, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी होती है वैसे विकेट पे। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहेगी, मगर आपके टॉप विकेट लेकर सरप्राइज पैकेट हो सकते हैं। तो अभी तक मोस्ट विकेट्स है राजस्थान रॉयल्स के लिए, 21 विकेट निकाल चुके हैं 13 मैचेस में, 18 का एवरेज है और इकोनॉमी रेट 8.2 का है। तो यहाँ पर टॉप पिक इसके बाद आते हैं, चलिए फटाफट में करता हूँ बजट पिक। सैम करन, संजू सैमसन और यहाँ पर होते हैं आपके आर अश्विन। चलिए अगर ड्रीम टीम की बात करें तो ड्रीम टीम आपकी कौन कौन सी हो सकती है? विकेट कीपर में आप ले सकते हैं जय जॉर्ज वगैरह, संजू सैमसन, दोनों ही काम आते हैं बल्लेबाजी, दोनों एंजॉय करेंगे कल की विकेट से बैटिंग करना, क्योंकि अच्छी गेम जिसमें आपको कहा अच्छी गेंद आएगी बल्ले पर, मजा आएगा बैटिंग करने को। उसके बाद बैटर में शिखर धवन, अथर्व ताइडे, यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर, ये जो रूट नितेश शर्मा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो कल क्योंकि अलग ही विकेट है, पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसा करेंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त नितेश शर्मा का, तो विकेट कीपर हम दोनों को लग रहे हैं जॉर्ज वॉटर या संजू सैमसन। चलिए बॉलर की यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करें तो सैम करन और लियाम लिविंगस्टोन की चॉइस है हमारे पास, दोनों कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन दोनों अंग्रेजी बैट्समैन है, इंग्लैंड से आते हैं और दोनों को पता है किस तरह से खेला जाता है ऐसे कंडीशन में, और दोनों क्लिक कर सकते हैं। फिर आते हैं हम बॉलर पर, हरप्रीत ब्रा, युजवेंद्र चहल और यहाँ पर ट्रेंड बोल, संदीप शर्मा, युजवेंद्र और हरदीप सिंह, और ट्रेंड बोल हो सकता है आपके गेंदबाज या हरप्रीत ब्रा या युजवेंद्र चहल हो सकते हैं। अब इनमें से 11 से पिक कर लीजिए, हमने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया जिसमें आपको पता चल जाएगा, आप अपना भी तो थोड़ा स्किल्स दिखाइए ड्रीम इलेवन पे। स्किल्स मोर ऑफ अ स्किल्स गेम एक्चुअली, स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च करना पड़ता है, तो मैं यही सब आपके पास लेके आता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ आपके लिए, आसान करता हूँ रास्ता, और आप इस पर थोड़ा बहुत सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर सोचेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मैं इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ हेनरिच क्लासन, जो हमारी टीम में थे कल, उन्होंने सेंचुरी मारी, आज मज़ा आ गया, यहाँ पर कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ गया और आपका भी कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बढ़ गया होगा। देखिए हम जो पिक कर रहे हैं वही सब हो रहा है, जो बता रहे हैं वही सब हो रहा है, चाहे पिच हो या 11 हो, प्रॉबेबिलिटी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हमारे मुकाबले ऑलमोस्ट हो रही है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं, हम साथ साथ रिसर्च करते हैं, हम फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं करते, हम प्रेडिक्ट करते हैं, और प्रेडिक्शन में बेसिकली प्रीव्यूज, पिच रिपोर्ट्स और वेदर कंडीशन और साथ साथ 11 कौन सी होने वाली, कौन खेलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी के लिए बाय।